हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ इंदुलेखा शैम्पू और केश किंग शैम्पू, इन दोनों का कंपैरिजन करके आपको बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा खरीदना चाहिए, किस शैम्पू पे आपको पैसे अपने खर्चने चाहिए, कौन सा अपने बालों के लिए आपके बालों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो देखिए, दोनों एंटी हेयरफॉल शैम्पू है, यानी कि बाल झड़ना रोकते हैं। तो ये इस तरह से केश किंग शैम्पू है, ये लाइट ग्रीन से ग्रेप ग्रीन से कलर का होता है और इसकी कॉस्ट है ये 50 मिलीलीटर की बॉटल 50 रुपये की है। तो ये एंटी हेयरफॉल शैम्पू है, बट जहाँ तक डैंड्रफ की बात है, ये डैंड्रफ कंट्रोल नहीं करता है। और जो ये है इंदुलेखा शैम्पू, ये 234 रुपीज़ का है। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है बट ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और जो इसका कलर है वो प्याजी सा ब्राउन सा है कलर इंदुलेखा शैम्पू का। जहाँ तक स्मेल की बात है, दोनों ही जो है इनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हैं, पर इंदुलेखा की थोड़ी ज़्यादा स्मेल है, बट मुझे वो सूट कर गई है पर्सनली स्पीकिंग। मुझे केश किंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल लगी, क्योंकि मैं जब भी इसको यूज़ करती हूँ केश किंग को, मेरा हेडेक ज़रूर होता है, तो मैंने बहुत कम कर दिया इसको यूज़ करना। जहाँ तक बाल झड़ने की बात है, तो केश किंग से आपके बाल में, फ्रैंकली बताऊँ, मेरे इससे कोई बालों पर इफेक्ट नहीं है। मेरे बाल झड़ते थे और झड़ने शुरू हो गए थे इंदुलेखा से। ज़रूर मैं शुरू में थोड़े ज़्यादा झड़े, बट अब ये डेफिनेटली काफ़ी कंट्रोल में, बट इतने कभी नहीं झड़े जितने मेरे केश किंग यूज़ करने के बाद झड़े। दोनों ही आयुर्वेदिक शैम्पूज़ हैं, यानी कि सल्फेट फ्री हैं और पैराबिन फ्री हैं। तो इस तरह से आयुर्वेदिक शैम्पूज़ हैं। और जो इंदुलेखा है, इसके अंदर जो हर्ब्स हैं 7 हैं, बट केश किंग के अंदर 21 हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ जो होती हैं। तो इस करके मुझे थोड़ा ये इंदुलेखा ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू केश किंग। केश किंग मैं बहुत कम, ना के बराबर यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज तभी मैंने इसकी बड़ी बॉटल नहीं ली, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक तो लगता है, दूसरा हेयर पे भी कुछ अच्छा इफेक्ट नहीं आया, हेयर और झड़ने शुरू हो गए। इसके बाद हेयर पतले हो गए, सॉफ्ट बहुत ज़्यादा जैसे होते हैं, टेक्सचर बहुत पतला हो गया इसको यूज़ करने के बाद। बट इंदुलेखा से ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे इंदुलेखा सूट कर गया और मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। बट इसको फ़ायदा तब है जब मैं इसको ऑयल के साथ ही यूज़ करती हूँ, इंदुलेखा ऑयल के साथ। तो डेफिनेटली मैं इंदुलेखा को ज़्यादा पसंद करती हूँ, हालांकि स्ट्रॉन्ग ज़्यादा ये है, बट स्टिल ये मेरे बालों के लिए बहुत अच्छा निकला है। मेरे बालों की लेंथ भी इससे काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, जो मैंने खुद फील किया है, और हेयरफॉल भी काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो दोनों में से मैं इंदुलेखा को ही प्रेफर करूँगी, केश किंग को मैं नहीं करूँगी। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। अच्छा लगा, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।